तो ये देखो यहाँ पे एक ट्रक गिरी है और वहाँ पे आगे अगर आप लोग जाओगे तो दो ट्रक वहाँ पे गिरी हुई है। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग ये हॉन्टेड बेस पे है, जिसको हम लोग थोड़ा बहुत बोलेंगे कि जादू टोटका टाइप भी। ये मुझे जब ये सारी चीजें हुई तब मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने सबसे पहले ये वीडियो को बना लिया और ये जो वीडियो बना है वो सवेरे सुबह के समय का ये वीडियो बना हुआ है। करीबन मुझे लगता है 6:30 या 7 बजते होंगे या उससे भी पहले का टाइम होगा। हम लोग कहीं बाहर गए थे और वो बाहर से आ रहे थे तब मैंने एक चीज नोटिस की कि लगातार मुझे लगता है 2 या 3 गाड़ियां पलट गई थी, मतलब ट्रक हो गया और आगे भी एक ट्रक पलटना, मतलब एक चीजें कैसी होती है, एक्सीडेंटल स्पॉट होता है जहाँ पे आए दिन, जैसे आप लोग ने भी सुना होगा कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आए दिन आपको रोज कुछ ना कुछ कोई ना कोई घटनाएं घटी हुई मिलेंगी ही वहाँ पे। तो ये भी एक मतलब एक हॉन्टेड से ही रिलेटेड चीजें होती है, ऐसा मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। अगर मैं गलत रहूंगा तो नीचे मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई आप गलत हो, अगर मैं सही रहूंगा क्योंकि मैं भी ये किसी और से सुन रहा हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन मतलब जो चीजें मैंने सुनी है मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को भी बता दूं। तो ऐसी घटनाएं मेरी जो वहां के पुलिस ऑफिसर थे उनसे भी थोड़ी बातें हुई, तो उनका कहना यह था कि आए दिन यहाँ पे, मतलब समझो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार वो घटना घटनी है, यहाँ पे किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि वो एक एक्सीडेंटल स्पॉट है। और एक्सीडेंटल स्पॉट मतलब कैसा होता है कि वहां पे कोई ना कोई घटनाएं होती है। तो पहले मैंने यही सोचा कि मेरा प्लान नहीं था कि मैं वहां पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे साथ मेरा कैमरा था तो मैंने सोचा कि जब है कैमरा तो मैं वीडियो बना देता हूँ, एटलीस्ट आप लोग को भी कुछ चीजें मालूम पड़ जाएगी। और कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहां पे आप लोग भी जाना अवॉइड करो, अगर आप लोग जा रहे हो तो एकदम कॉन्सेंट्रेट करके चलो। इवन मुझे वो जो ट्रक ड्राइवर जिसका एक्सीडेंट हुआ था उसने बोला यार मेरी तो कोई गलती नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि अपने आप मेरी गाड़ी वो साइड जा रही है। तो ये बात को लेके मैंने सोचा कि नहीं यार, इतना अगर ऐसा सिचुएशन है तो वीडियो जरूर बनाना चाहिए ताकि आप लोगों को मैं अवेयर कर सकूं इस चीज को लेके। तो ट्रक ड्राइवर ऐसा बोल रहा था कि ना मैंने ड्रंक किया हूं ना मैं कुछ किया हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी खुद ब खुद वो ऐसा नीचे ढलान की तरफ चली जा रही है। तो ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, तो ऐसी कुछ चीजें स्टोरीज आप लोग के पास भी होगी तो आप लोग भी मेरे साथ आके शेयर कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग भी मेरे साथ आके बातें कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिलेगी, जाके फॉलो कर लो, वहां के थ्रू टच में रहेंगे, एक दूसरे से बातें हो जाएगी और कोई भी आपके इधर का प्लेस होगा तो वहां पे जाके मैं आपसे बातें कर सकता हूँ, मिलके हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो बस आप लोग सबसे पहले वीडियो देख लो और आप लोग को क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ, या तो फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। एक बार पहले आप लोग वीडियो देख लो, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करने में मजा आएगा, ताकि आप लोग को भी कुछ नॉलेज आ जाएगा उस चीज से कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो देख लो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। तो ये देखो यहाँ पे एक ट्रक गिरी है और वहां पे आगे अगर आप लोग जाओगे तो 2 ट्रक वहां पे गिरी हुई है और ये ट्रक के ड्राइवर है और ये आपको बताएंगे कि इंसिडेंट क्या हुआ था इनके साथ। तो कैसे गिरी सर? सर ऐसा हुआ, गाड़ी चलते चलते स्टीयरिंग फेल हुआ, अपने आप से ब्रेक कंट्रोल किया, ब्रेक आया हमारा, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया और सीधा ये गिर गई, सीधा कंटिन्यू। तो जैसे बोलते हैं ना, एक छोटा सा ब्लैक मैजिक बोलते हैं क्योंकि उस हिसाब से जैसे ये भी जैसे बोल रहा है कि मैंने पूरी कोशिश की ब्रेक कंट्रोल करने की, ये देखो यहाँ पे गिरा है और एक साथ 3-3 ट्रक गिरना, इनका ट्रक गिरा है और इनके ट्रक के बाद वहाँ पे इनका ट्रक गिरा है और उसके बाद वहाँ पे 2 ट्रक 10 मिनट बाद गिर गई। तो मतलब ये जो पॉइंट है अभी हम लोग की बात यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर थे, मतलब जो काम करते उनसे भी हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये जो एक पॉइंट है ये एक्सीडेंटल पॉइंट है, यहाँ पे रोज एक एक्सीडेंट होना पक्का है और मतलब बोलते ना एक खून तो लेना ही है। तो बस एक भगवान की दया थी और वो था कि ये बच गए और इन्होंने काफ़ी इनको मुक्का मार भी काफ़ी लगाए और वहाँ पे वो बैठे हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये बच गए, ये काफ़ी अच्छा हमको भी लगा। अभी जो भी होगा, अभी पैंट पड़ गया ना, ये देखो ये भाई भी थे लेकिन दोनों बच गए, कुछ हुआ नहीं। तो अभी हम लोग आगे की तरफ जाके आप लोग को दिखाते हैं कि आगे की तरफ जो 2 ट्रक गिरी हुई है उनका हाल कैसा है। और जहाँ तक इनसे मेरी बात हुई, ये पूरा ब्लैक मैजिक जहाँ तक ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बोले कि मैं तो पूरी कोशिश किया लेकिन अपने आप गिर गई। एक ट्रक गिरती है चलो ठीक है, आपको माना जाता है कि चलो एक ट्रक गिर गई, लेकिन ये ट्रक गिरने के 10 मिनट बाद ही वहाँ पे 2 ट्रक और गिर गई है। तो अभी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाता हूँ कि 2 ट्रक वहाँ पे भी गिरी हुई है।
तो ये कुछ ऐसा हाल होता है कि हम इस चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये देख रहे हो आप लोग, यहाँ से देखो पूरा एकदम इसका छापा हो गया है, और अभी बारिश का भी टाइम है। और यहाँ पे अभी जैसे मेरी बात हुई थी पुलिस ऑफिसर से, वो हमको बता रहे थे कि यहाँ पे जान जाना पॉसिबल है, बस यही एक चीज़ है। और चलते हैं वहाँ पे भी, आप लोग को दिखाते हैं कि वहाँ पे भी दो ट्रक गिरी हुई है, तो चलते हैं वो चीज़ें आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी दो ट्रक गिरी हुई है, ये आप लोगों को दिखता होगा। ये देखो ये भी स्लिप होके गिरी हुई है भाई, देखो ना चलती चलती गाड़ी में से पेट्रोल खत्म हो डीजल। ये देखो सेम यही रास्ते पे, देखो मतलब आज यही सारी सीन हो रहे हैं। और जिस हिसाब से आप लोग को देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से पूरा पलटी होके ये ट्रक भी गिरी है, ये ट्रक भी गिरी है। और जैसे मैंने आप लोग को दिखाया सीएनजी की गैस, हाँ गैस का टाकी है। और यार ये जैसे हम लोग पूछते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई रास्ता और कोई कोई टाइम बहुत खराब होता है जो इस तरीके की दुर्घटना हो जाती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और कभी भी आप लोग जब ड्राइव करते हो तो सेफ ड्राइव करो, ये सबसे मैंडेटरी है। और देखो ये जो ट्रक गिरा है, यह पूरा पेड़ वेड़ उखाड़ते हुए नीचे गिरा है, ये सीएनजी का है, और उसके अंदर शायद कुछ लकड़ी वकड़ी कुछ होगी। और आप लोग देख सकते हो, देखो खंभा वंबा भी यहाँ पे टूटा हुआ है, ये देखो खंभा भी यहाँ पे टूटा हुआ है। और मुझे लगता है यहाँ पे एक बैरिकेड्स ऐसे लगाए गए थे, और वो भी टूट के पूरा एकदम नीचे जा चुका है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। और शायद वहाँ से वो जो गैस है वो भी थोड़ा लीक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने जब इधर ऑफिसर से बात किया तो वो हमसे कह रहे थे कि यहाँ पे हर दिन एक घटना, ये जो इतना रोड है यहाँ से लेकर वहाँ तक, हर दिन एक घटना होना अनिवार्य है। तो कहते हैं ना एक जो एक्सीडेंट पॉइंट होता है, तो वो एक्सीडेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आधे घंटे के अंदर तीन ट्रक का पलटी होना, तो ये भी कुछ ब्लैक मैजिक से रिलेटेड करता है। तो हमने ये जाते जाते रास्ते पे देखा, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग को दिखा दिया जाए। और सबसे पहले हमने ड्राइवर से बात की, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि शायद ये वीडियो बनाना चाहिए और आप लोग को दिखाना चाहिए। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को मिलते हैं आगे। बस ये वीडियो आप लोग देख लो, ये देखो, देख रहे हो, चलो हम लोग मिलते हैं आगे। तो अभी हम लोग रास्ते से जा रहे थे, ये देखो यहाँ पे भी एक गाड़ी पलटी हुई है। ओ भाई साहब, आज बहुत डरावना दिन था यार। ये देखो, देख रहे हो ट्रैफिक, देखो उस वजह से भाई आज कोई काल था मुझे लगता है। देखा, बस यही कारण है कि मैं आप लोग को ये वीडियो दिखा रहा हूँ। बहुत सोचने वाली बात, थोड़े आगे रास्ते, हाँ और वही रास्ते के थोड़े आगे, सोच रहे हो आप लोग, मतलब आज क्या दिन है, आज बहुत खराब दिन है एकदम। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, नीचे कमेंट करके भी बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये जो मैंने सुन के आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या इसके अंदर थोड़ी सच्चाई है या कुछ सच्चाई नहीं है, या ये ऐसी घटनाएं होती रहती है, या कोई एक ऐसा एक्सीडेंटल स्पॉट होता है जहां पे हफ्ते में एक बार किसी ना किसी की दुर्घटना होना अनिवार्य है, तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से मैंने वहां पे पुलिस ऑफिसर से बातें की और उनसे मैंने पूछा, तो वो उनका भी कहना यही था कि बेटा देखो कैसा है कि हफ्ते में एक बार यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता ही। इसके लिए स्पेशली हम लोग वहाँ पे तैनात होते हैं कि अगर इन केस कुछ हो जाए तो स्पेशली हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, और कोई भी घटना हो तो उस घटना का हम लोग जांच कर सके और पड़ताल कर सके, उसके बाद हम लोग जाके वहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करके फिर हमको मालूम पड़ता है कि कुछ हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे दो ट्रक का थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मुझे लगता है कि 5 या 10 मिनट का डिस्टेंस होगा, पहले वो गाड़ी पलटी फिर ये गाड़ी पलटी, तो ये थोड़ा शॉकिंग था और पुलिस ऑफिसर के लिए भी शॉकिंग था, उनके काम के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि एक गाड़ी होती है तो वो लोग अरेंज करके कैसे भी गाड़ी को निकाल लेते हैं, लेकिन दो दो ट्रक का पलटना, तो ये तो शॉकिंग सबके लिए था। और उसी समय पे, मतलब करीबन 15-20, और वही प्लेस में जो एक्सीडेंटल स्पॉट होता है वही प्लेस पे ऐसा होना, तो चलो कोई बात नहीं। आप लोग को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, बाकी मुझे जो लगा आप लोग को दिखाने के लिए तो मैंने वो दिखाया है। तो ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जाते जाते इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो भी आपका सुझाव होगा या आपको क्या लगता है नीचे कमेंट के थ्रू बता देना, ठीक है।